बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सऊदी अरबिया से एक अमेरिकन लड़की का वायरल हुआ है जी। अभी सऊदी मीडिया के ऊपर ये काफ़ी वायरल आया और इस लड़की की आप बोल रहे हैं इस लड़की के हक में बहुत से बाइकमेंट्स आ रहे हैं। इसका जो बयान सामने आया वो भी आपको सुना भी देता हूँ। माशाल्लाह इसकी तरफ से जो बात कही गई है मेरे हिसाब से तो 100% भाई हो गया है। हाँ, अगर कुछ अपनी मर्जी से कुछ कोई बंदा करता है तो वो एक अलग से मामला है। जो ये लड़की बोल रही है आप सुन लें, यकीनन आप भी बोलेंगे ऐसा ही है। एक छोटी सी बात आपको बता दूं मैं इसी से रिलेटेड, वो ये है जी, हम ताइफ में काम कर रहे थे। ताइफ में आपने कुबरी हलाका दिखी हुई है, नहीं तो आपने सुना तो होगा। कुबरी हलाका के नीचे हम मौजूद थे, बारिश लगी हुई थी खूब, जैसा कि ताइफ में लग जाती है अक्सर। यहाँ पर शायद आपको कुछ मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ। तो बारिश लगी हुई, हम कुबरी के नीचे ऐसे खड़े हुए हैं, दो दोस्त हैं साथ में और तीसरा मैं हूँ। और साथ गाड़ी, ये आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, और गाड़ियाँ गुजर रखी है कुबरी के नीचे से यू टर्न लेकर। उस टाइम मदरसे को छुट्टी हुई थी और लड़की वगैरह भी गाड़ियों में बिठा कर लोग लेकर जा रखे थे अपने घरों में। तो ऐसे ही एक हाई लुक्स गुजरा है, पीछे लड़की बैठी हुई है, उसने भी शीशा नीचे किया हुआ था, अपने कैमरे से बारिश इंजॉय कर रही थी। तो हम उसकी दूसरी की तरफ देखे जा रहे हैं, तो उतनी देर में वो लड़की बोली है ऐसे ऐसे भी अपनी आंखें नीचे रखो। तो बात करने का, ये आपके साथ बात करने का मकसद ये था कि वहाँ की खवातीन के मतलब भी आपको इल्म है। ये अगर आदमी एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा देख ले तो वो खुद से पूछ लेती थी क्या मसला है। तो ऐसे वाक़ बहुत है जी, मैं आपको सुनाने बैठ जाऊँगा, वीडियो लंबी होती है कि आप लड़की का क्लिप सुन लें फिर आपको मजीद बताता। I am not scared and I feel very safe. I've lived in America, I've lived in Europe, and this is by far the safest country. I can walk at 4 AM in the street and I know no one's gonna do anything. I can. ये इसमें क्या क्या रही है, ये इसमें सिर्फ ये बता रही है अपना वीडियो अपने यानी कि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके ये बता रही है कि मुझसे किसी ने सवाल किया है कि क्या आप तुम सऊदी अरब में रहती हो तो क्या सेफ हो यहाँ पर, तुम्हें कोई किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं है या तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ से। तो वो आगे से उसको ये जवाब दे रही है, ना तो मुझे कोई डर लगता है यहाँ पर और ना ही कोई किसी किस्म का खतरा है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को और घूमती फिरती हूँ, मुझे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, घर में कोई किसी किस्म का चोरी का मसला नहीं है। यार आपको पता है ये अकेली खवातीन अगर कहीं भी रहेंगी तो क्या मसला होगा, यही मसला मेन चीज होती है ना, कोई बंदा छेड़े ना, कोई बंदा तंग ना करे। और ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, घर में कोई किसी किस्म का चोरी वाला मामला नहीं है, अगर मैं रात को भी बाहर घूमने के लिए निकलती हूँ तो मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। इसी चीज को लेते हुए ये सऊदी अरबिया की मीडिया के ऊपर इसकी वीडियो वायरल है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपने जद्दा कॉर्नर्स का विजिट किया हुआ है और आपने, मैं तो 3-4 दफा जा भी चुका हूँ, आपके साथ लाइव वीडियो भी दिखा चुका हूँ, तो वहां पर भी देख लें भाई, हजारों की तादाद में खवातीन घूम रही होती है और उनमें बहुत सी तादाद गैर मुल्कियों की भी होती है, लेकिन मजाल किसी की भाई किसी